योगी के मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले बसपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता? आखिर चुनाव के 3 महीने पहले क्यों किया योगी ने मंत्रिमंडल में बदलाव? जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में आने वाले 2022 में विधानसभा के आम चुनाव होने जा रहे हैं और चुनाव के पूर्व ही योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। इस पर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधींद्र भदौरिया, इन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है, 7 मंत्री बनाए गए हैं, 3 ओबीसी के हैं, 2 एससी, 1 एसटी और 1 ब्राह्मण को मंत्री बनाया गया। देखिए, ये जो मंत्रिमंडल विस्तार है, खास तौर से चुनाव की संध्या बेला पर, ये जनता को भुलावा में रखने के लिए है। पर जनता पहचानती है कि महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की तमाम समस्याओं के बारे में उत्तर प्रदेश की सरकार ने कुछ किया नहीं। अब योगी जी का ये जो प्रयास है, इससे जनता भुलावे में आने वाली नहीं, बहकावे में आने वाली नहीं, और इस बार भाजपा को बाहर का दरवाजा उत्तर प्रदेश की जनता दिखाएगी। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधींद्र भदौरिया, उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेरोजगारी, महंगाई, किसानों को राहत व कोरोना से उत्पन्न स्वास्थ्य सेवाओं को देने में असफल रही, इसीलिए अब इनकी चालों के भुलावे में उत्तर प्रदेश की जनता नहीं आने वाली है और इसीलिए इस बार बसपा की सरकार जरूरी है। इस संदर्भ में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द थिंग पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।